अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू राजा अरमान फिशर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। गाइस, आज का जो ट्यूटोरियल है वो है एडसेंस के ऊपर कि एडसेंस क्या चीज़ है। बेसिकली आजकल के जो न्यूबीज़ हैं उन लोगों को कोई कहता है कि एडसेंस से अर्निंग की जाए, यूट्यूब की एडसेंस से अर्निंग करो तो ये होगा, एडसेंस से पैसे आएंगे, बट कोई इनको बताता नहीं कि एडसेंस है क्या चीज़, और वो इसी कश्मकश में मुबतला रहते हैं और अपना काफ़ी टाइम ज़ाया कर देते हैं एडसेंस के पीछे और उनको मिलता कुछ भी नहीं है। और आज आके वो है वो साल डेढ़ साल एडसेंस के पीछे ही गुजार देते हैं, या उनको कह देते हैं कि एडसेंस ख़रीद लो, बट वो एडसेंस ख़रीद के भी बाय करके भी उनको ये नहीं पता चलता कि एडसेंस है क्या और किस तरह से वर्क करता है। बेसिकली वही चीज़ है कि आज मैं आपको ये बताऊंगा कि एडसेंस कवर भी दूंगा कि एडसेंस है क्या चीज़। तो आज जो है एडसेंस दो किस्म के होते हैं, एक होता है व्हाट इज़ एडसेंस, ठीक है, ये हो गया आज का जो हमारा टॉपिक है। एडसेंस दो किस्म के होते हैं, एक होता है होस्टेड और एक होता है नॉन होस्टेड। होस्टेड किस लिए होता है? होस्टेड इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है कि हम उसको यूट्यूब के साथ यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस के साथ। और नॉन होस्टेड होता है वेबसाइट के लिए, जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं। बेसिकली एडसेंस खुद है क्या चीज़? एडसेंस एक एड प्रोवाइडिंग एजेंसी है जो पब्लिशर्स को एड प्रोवाइड करता है। पब्लिशर्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरा चैनल है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, तो गाइस एडसेंस जो है वो मुख्तलिफ कंपनियों से एड्स लेता है, ठीक है, और आगे जो है पब्लिशर्स को प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल इसमें तीन कंपनियां हो जाती हैं, एक हो जाती है प्रोवाइडर, ठीक है, प्रोवाइडर कंपनी जो चाहती है कि वो अपना एड चलाए, ठीक है, सॉरी गाइस, फर्स्ट कंपनी होगी एडसेंस। एडसेंस एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है और इनकी एक प्रोडक्ट है एडवर्ड्स। एडवर्ड्स पे लोग आके अपने एड्स देते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी है, कोई कोक कंपनी है, तो वो अपने एड्स देती है कि जी हाँ भाई, एडवर्ड्स के ऊपर आती है और कहती है कि हमारे जो हैं एड्स चलाओ आप, ठीक है, जिस तरह से टीवी चैनल्स के ऊपर चलते हैं इसी तरह ऑनलाइन फील्ड में YouTube के ऊपर वेबसाइट्स के ऊपर एड्स चलते हैं। तो ये एक फर्स्ट कंपनी होगी एडवर्ड्स के ऊपर कि लोग आते हैं जहाँ पे कंपनी आती है वो अपने एड चलाती है। सेकंड होगी कि पब्लिशर हो गया, YouTube चैनल हो गया, ये वेबसाइट होगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा चैनल है इसी तरह, या कोई वेबसाइट होगी, ठीक है, तो वो हो गया पब्लिशर कि जिसकी वेबसाइट होती है, जिसके पास जगह होती है एड्स चलाने की। फिर आ जाती थर्ड एडसेंस, ठीक है। एडसेंस क्या करता है? एडसेंस इस सारे सिस्टम को मैनेज करता है और पब्लिशर को जो है पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं। ये सिस्टम वर्क किस तरीके से करता है? ये सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है कि एडवर्ड्स के ऊपर आके कंपनी जो है वो एड देती, कहती है कि हाँ ये एड चलाओ, और पब्लिशर जो है वो एडसेंस के ऊपर अप्लाई करके एडसेंस के ऊपर अकाउंट बनाता है और बताता है कि उसके पास जगह अवेलेबल है, या उसके पास चैनल है, या उसके पास वेबसाइट है, और फिर एडसेंस वाले आपका अकाउंट प्रूफ करते हैं, ठीक है। आपने पब्लिशर ने एडसेंस के ऊपर जाना होता है, एडसेंस के ऊपर अकाउंट बनाना होता है, जो प्रोवाइडर होता है यानी कि जैसे कंपनी कोक की है, तो वो एडवर्ड्स के ऊपर जाएगी और जाके बताएगी कि हाँ हमने ये एड चलाना है। जो पब्लिशर होता है वो एडसेंस के ऊपर जाता है और एडसेंस वाला वो बताता है कि इसके पास वेबसाइट है, ये उसके पास, फिर एडसेंस वाले इसको प्रूव करते हैं कि हाँ ये कंपनी, ये चैनल जो है, ये यूट्यूब चैनल या ये वेबसाइट जो है, ये इस काबिल है कि ये इसके ऊपर हम एड्स चला जाएँ, तो वो अकाउंट अप्रूव कर देती है। अकाउंट अप्रूव करने के बाद हम उसको कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के और मेथड हैं, ठीक है, वेबसाइट्स के लिए अलग हैं, यूट्यूब चैनल के लिए अलग हैं। फिर उसके बाद एडसेंस जो है उस सारी प्रोसीजर को पब्लिशर के साथ, ठीक है, मैनेज कर रहा होता है। जो कंपनी होती है उसको एडवर्ड्स में अपना सब कुछ नज़र आ रहा था कि उसके इतने पैसे खर्च हो चुके हैं एडवर्टाइजमेंट पे, ये वो, बट पब्लिशर का ही काम होता है एडसेंस तक का, कि एडसेंस उसको सब मैनेज करके दे रहा होता है कि इतने उसके व्यूज़ हुए हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट पे, और इतने इसके पैसे जनरेट हुए हैं, और एडसेंस ही है जो पेमेंट कंट्रोल कर रहा होता है। तो इस तरीके से वर्क करता है कि बेसिकली पब्लिशर का जो है वो काम एडसेंस तक होता है और जो कंपनी का काम होता है वो एडवर्ड्स तक होता है। तो इसमें तीन कंपनियाँ आ जाती हैं, एडवर्ड्स, फिर पब्लिशर हो जाता है, फिर एडसेंस हो जाता है। एडसेंस पेमेंट ट्रांसफर करता है, या आप सेकंड नंबर पे एडसेंस रख दें, ठीक है, ये थर्ड नंबर पे पब्लिशर रख दें। तो ये वर्क किस तरह से करता है? यूट्यूब के लिए होस्टेड यूज़ होता है,
होस्टेड फॉर यूट्यूब, ठीक है, नॉन होस्टेड फॉर वेबसाइट्स। मतलब कि ये एक एड एजेंसी है, गूगल की प्रोडक्ट है एडसेंस और गूगल की ही प्रोडक्ट है गूगल एडवर्ड्स। एडवर्ड्स पे जो है कंपनी आके अपने एड देती है कि उसको ये एड चलवाना है और किस किस जगह पे चलाना है, बाकी जो है एडवर्ड्स मैनेज करके एडसेंस वालों को देता है। पब्लिशर जो है वो एडसेंस को कनेक्ट करता है अपने यूट्यूब चैनल या वेबसाइट के साथ, उसके बाद उसके ऊपर एड चलना शुरू हो जाते हैं और फिर एडसेंस सारे प्रोसीजर को मैनेज कर रहा होता है और पेमेंट के प्रोसीजर को भी मैनेज कर रहा होता है। अब एडसेंस को अप्लाई करने के लिए, अप्रूव करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको ओरिजिनल नेम, ठीक है, ओरिजिनल नेम और आपका आईडी कार्ड लाजमी बनाना चाहिए, ओरिजिनल एड्रेस, सब कुछ आपका ओरिजिनल हो, ठीक है, क्योंकि एडसेंस का जो स्टेप है, आपके पास ईमेल वगैरह भी जो है अपनी होनी चाहिए, पर्सनल ईमेल, ठीक है, उसका तो कोई इशू नहीं, आप जीमेल का क्रिएट करें, जीमेल का ही सबसे बेस्ट है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ओरिजिनल नेम और आईडी का ये मकसद होता है कि उससे यह है कि आपको परेशानी नहीं होती है प्रूफ करवाने में, क्योंकि सब कुछ आपका ओरिजिनल होता है, तो कल को जो है उनके जो है पिन कोड आता है। अब पिन कोड क्या चीज़ है और इसका वेरिफिकेशन क्या है? अकाउंट तो अप्रूव हो जाता है, अकाउंट अप्रूव होने के बाद फॉर एग्जांपल आपकी अर्निंग जो है फर्स्ट मंथ की वो हो जाती है $10, ठीक है, $10 या अबव, ठीक है, ये बोथ होस्टेड और नॉन होस्टेड दोनों के लिए है। दोनों अकाउंट हैं जो इसके फैक्टर्स हैं एडसेंस के, एक होस्टेड और नॉन होस्टेड दोनों के लिए यही चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, $10 और अबव, कि आपके अगर फर्स्ट मंथ में $10 और अबव हो जाते हैं तो उसके बाद गूगल एडसेंस पब्लिशर की बात हो रही है, क्योंकि हमने तो अर्निंग करनी है तो हम पब्लिशर में आएंगे, क्योंकि हमारे पास यूट्यूब चैनल है या वेबसाइट है। उसके बाद एडसेंस एक पिन जनरेट करते हैं, पिन जनरेट करता है किसके ऊपर, जो आपका प्रोवाइडेड एड्रेस होता है, जो आप अकाउंट क्रिएट करते वक्त अपना एड्रेस देते हैं, एड्रेस वो आपने देना जो आपका ओरिजिनल हो, ठीक है। पिन जनरेट करता है एक पेपर होता है, ठीक है, उसके ऊपर 4-डिजिट पिन कोड होता है, यस 4-डिजिट पिन कोड होता है, ठीक है, वो ये है अपना यूके से या आई थिंक सो सिंगापुर के, क्योंकि अगर आप एशिया में हैं तो सिंगापुर से आई थिंक सो होगा, सिंगापुर से जो है जनरेट होके आपके होम एड्रेस के ऊपर आता है, ठीक है, होम एड्रेस के ऊपर आता है, तो उसके बाद वो आपको रिसीव होता है, रिसीव होने के बाद उसमें लिखा होता है 4-डिजिट पिन कोड, बाकी उनकी डिटेल्स वगैरह होती हैं, वो 4-डिजिट कोड जी जो है वो ही एक बड़े लफ्ज़ों में लिखा होता है, वो जो है आपने अपने अपने एडसेंस के ऊपर जाना होता है। एडसेंस अकाउंट आप ओपन करते हैं, ऊपर आ रहा होता है कि पिन वेरीफिकेशन, जब ऑटोमेटिकली पिन जनरेट होता है फर्स्ट टाइम तो ऑटोमेटिकली ऊपर ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं और वहाँ पे अपना अगर आपके पास रिसीव हो गया तो आप वो 4-डिजिट पिन कोड इंटर कर देते हैं, ठीक है। 3 हफ्ते लगते हैं जब एडसेंस का पिन जनरेट होता है, तो 3 हफ्ते लगते हैं एडसेंस के पिन को आप तक पहुँचते हुए, ठीक है, अगर विद इन 3 वीक्स जो है वो आपके पास रिसीव नहीं होता तो आपके पास ये इजाज़त होती है कि आप 3 दफ़ा मज़ीद पिन जनरेट करवा सकते हैं, और 3 दफ़ा मज़ीद भी आपका पिन अगर आपको रिसीव नहीं होता है तो 3 महीने बाद जो है आपको आपके पास एक और फैसिलिटी होती है जिसमें आप अपने आईडी कार्ड वगैरह स्कैन करके, आईडी कार्ड बिल या पासपोर्ट वगैरह स्कैन करके इनको सेंड करते हैं और ये उसके ऊपर वेरीफाई कर देते हैं। बट सबसे बेहतर ये कि आप अपना ओरिजिनल एड्रेस दें तो उसके ऊपर आपका पिन जनरेट आ जाता है और आपका फर्स्ट मंथ में ही, फर्स्ट या सेकेंड मंथ में ही आपका पिन जनरेट हो जाता है, नहीं तो अगर आप उसका थर्ड टाइम तक जनरेट करेंगे 3 महीने या 4 माह के बाद जो है आपके पास ये सर्विस आएगी कि आप जो है अपना एडसेंस को वेरीफाइड कर सकते हैं। एडसेंस वेरीफाई करने के बाद आप अपने पैसे किस तरह निकलवा सकते हैं? जब आपकी मिनिमम $100 अर्निंग हो जाएगी देन आप जो है पेमेंट एडसेंस से निकलवा सकते हैं, उसके अलावा नहीं निकलवा सकते। उसके अलावा फिर ये होता है कि अगर आपके पास $80 हैं, ठीक है, आपको एडसेंस को कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है, डिलीट करना पड़ेगा और फिर वो एडसेंस वाले आपको पेमेंट दे देंगे, उसके बाद आप ऑथराइज नहीं होगा कि दोबारा से एडसेंस को यूज़ कर सकें, नहीं तो फिर आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। तो अच्छा यही रहता है कि $100 का इंतज़ार कर लिया जाए और उसी पे जो है जब तक $100 नहीं होते तो तब तक जो है आप अपना अकाउंट भी सेफ रखें और अर्निंग होने दें। $100 होने के बाद आपके पास ऑप्शंस क्या क्या होते हैं? आपके पास ऑप्शन होते हैं वेस्टर्न यूनियन, वेस्टर्न यूनियन से आप पैसे निकलवा सकते हैं। वेस्टर्न यूनियन तो हर
शहर में ही अवेलेबल है, हर बैंक वालों के पास अवेलेबल है। वेस्टर्न यूनियन वो में वो एक आपको डॉक्यूमेंट दे देते हैं MTCN, जो आपके ईमेल पे आ जाती है। ये आती कब है? आफ्टर 21st से लेके 26th तक, ठीक है, आपके मंथ की, ठीक है। उसमें आपको जो है ये एडसेंस वाले आपको वेस्टर्न यूनियन दे देते हैं। और आपकी जो मंथली अर्निंग होती है वो कब शो होती है? वो होती है 11 डेट को, हर मंथ की 11 तारीख को। और 21 से लेके 26 तक जो है आपको वेस्टर्न यूनियन से पेमेंट आ जाती है। आपके पास मेथड वेस्टर्न यूनियन का होता है, बैंक ट्रांसफ़र का होता है, ये दो ऑप्शंस होते हैं। तो बहुत इजीली है कि आप इससे पेमेंट ले सकते हैं। और ये सबसे बेस्ट मेथड जो है वेस्टर्न यूनियन का है, क्योंकि वो आप किसी भी बैंक से जाके पेमेंट निकलवा सकते हैं अपनी। और सॉरी गाइस, इसमें आपके पास एक और ऑप्शन भी होता है, चेक का भी होता है कि आप चेक से जो है ट्रांसफ़र करवा सकें। और एक और ऑप्शन होता है आई थिंक सो पेनियर का, पेनियर ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड है, इसके बारे में आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है। तो सबसे बेस्ट मेथड होता है वेस्टर्न यूनियन बैंक ट्रांसफ़र या चेक का, वेस्टर्न यूनियन ही सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एडसेंस के बारे में समझ आ गया होगा कि एडसेंस है क्या चीज़ और हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसकी क्या क्या पॉलिसीज़ हैं। पॉलिसीज़ बड़ी सिंपल सी हैं इसकी, कि आपका सब कुछ ओरिजिनल हो तो एडसेंस आपको इजीली मिल जाता है। होप सो यू लाइक दिस वीडियो ट्यूटोरियल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा गाइस।